सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुंबई के मलाड सेवा केंद्र की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें साइकिल और बाइक रैलियों का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ नगर सेवक सचिव विनोद शेल्लार, डिंडोशी ट्रैफिक ऑफिसर यादव सर, यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुंती दीदी की उपस्थिति में हुआ। रैली में कॉलेजेस और साइक्लिस्ट ग्रुप के 150 साइक्लिस्ट ने भी हिस्सा लिया और शहर के विभिन्न स्थानों में स्लोगन और नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, एक सड़क पर मोबाइल इस्तेमाल ना करें, सुरक्षा के संयम को स्वीकार करें, सड़क सुरक्षा। इस रैली का समापन ज्ञानधारा सेंटर महाड़ा कॉलोनी में हुआ, जहां कार्यक्रम में विधायक सुनील प्रभु, शाखा प्रमुख सुभाष धानुका, टीवी और फिल्म कलाकार ऋषिकेश पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीके कुंती दीदी ने मौजूद सभी लोगों से यातायात के सभी नियमों को पालन करने की अपील की। तो सड़क सुरक्षा के लिए बताया गया कि ये सप्ताह जो मनाया गया है स्वच्छता, तो स्वच्छता में सब बाहरी स्वच्छता तब आ सकती है जब हमारे आंतरिक स्वच्छता है, हमारा मन साफ है। पैदल वालों को भी लगता है कि हमारा हक है सड़क पे, हम कभी भी निकल सकते हैं, और सिर्फ सिग्नल क्या होता है, हाथ दिखाया गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, या तो फिर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको ये एहसास नहीं होता कि आप ये करते करते अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, आप जो गाड़ी चला रहे हैं बेचारे उसको भी मार रहे हैं, क्योंकि आप तो उसकी गाड़ी के नीचे आके चले जाएंगे, ऊपर उसके बाद उसकी जिंदगी गई। ऐसे ही मलाड पश्चिम में भी साइकिल और दो पहिया रैली निकाली गई। इस मौके पर आर लेडी ऑफ लुडेर्स चर्च के पैरिश प्रिस्ट माइकल पिंटो, मुंबई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी मिस्टर परब, मिस्टर बागवे और प्रभाग के उपाध्यक्ष अभी के दिव्य प्रभा दीदी, राष्ट्रीय संयोजिका अभी के कुंती दीदी उपस्थित रहे। ये रैली चर्च से शुरू होकर डालमिया कॉलेज पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में फ्लैमिंगो सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्जा, डालमिया कॉलेज के प्रिंसिपल किरण माने और मुंबई ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी निभाई और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। लोगों को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने के मकसद से डोंबिवली में भी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली का आयोजन हुआ। रैली आरटीओ ऑफिस से नाना नानी पार्क तक निकाली गई, जिसमें बीके भाई बहनों के साथ वंदे मातरम डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। डोंबिवली सेवा केंद्र के प्रभारी बीके शकु दीदी और आरटीओ अधिकारी एसएल आवाहार ने शिव बाबा का झंडा दिखाकर रैली की शुरुआत की। ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आदर्श दीदी को ग्वालियर चंबल संभाग गौरव रत्न सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ की ओर से आदर्श दीदी को दिया गया। ये अवार्ड उन्हें मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान चलाने और हजारों लोगों को नशे से दूर रहने के प्रति सचेत करने के लिए दिया गया। बीके आदर्श दीदी को यह सम्मान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौर के हाथों से दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पर विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन ब्रह्मा बाबा की याद में सभी ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चलिए देखिए उनकी झलकियाँ। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम की ओआरसी की। बाबा के स्मृति दिवस के अवसर पर गुरुग्राम ओआरसी में भी भव्य आयोजन हुआ। गहन योग तपस्या के बीच सभी ने ब्रह्मा बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ बाबा के कमरे को एक नए अंदाज में सजाया गया। बाबा को हार्ट शेप की फूलों की माला पहनाई गई, तो बाबा के जीवन की कहानी को बाबा रूम के बाहर बने कॉरिडोर में चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। मध्य प्रदेश राजगढ़ ब्यारा सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर
श्रद्धांजलि देने न्यायाधीश आर के जैन पहुँचे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने हमें सिखाया, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। वहीं न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन के हर क्षण को विश्व कल्याण हेतु सफल किया। इसके अलावा बीके लक्ष्मी दीदी ने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अंतिम संदेश था निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, और वो आज भी मानव मात्र को दिव्य प्रकाश दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की याद में जावरा सेवा केंद्र पर शांति स्तंभ का मॉडल बनाकर विशेष योग कार्यक्रम किया गया और उस पर पुष्प अर्पित कर सभी भाई बहनों ने बाबा को याद किया। जावरा सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सावित्री दीदी ने बाबा के स्मृति दिवस पर उनका परिचय सभी लोगों को दिया। वहीं कालानी नगर इंदौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी ने ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व से सभी को परिचित कराते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने साधारण होते हुए भी अपने संपूर्ण जीवन काल में विशेष पाठ बजाया। उनके अंदर सीखने, सिखाने, शासन करने की कलाएं कूट कूट कर भरी थी। सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने इस मौके पर मौन रखकर योग तपस्या की और शांति स्तंभ के समक्ष बाबा के समान अपना जीवन बनाने का संकल्प लिया। इंदौर जोन प्रभारी राजयोगिनी बी के आरती दीदी ने ओम शांति भवन में ब्रह्मा बाबा के साथ के कुछ यादगार पलों को याद किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा के साथ का अनुभव करने के लिए मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जस्टिस बी डी राठी और समाज सेवी सुरेश गुप्ता समेत कई जाने माने लोग शामिल रहे। वहीं पन्ना सेवा केंद्र में विश्व शांति दिवस पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के सीता ने ब्रह्मा बाबा को त्याग और तपस्या की जीती जागती मिसाल बताते हुए कहा कि उन्होंने संपूर्ण बनने के लिए खुद को संपूर्ण समर्पित करा। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद पन्ना चंद्रप्रभा तिवारी और डॉक्टर आशीष खरे एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। दूसरी ओर राजगढ़ के शिववरदानी भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, हेमराज कल्पोनी, कांग्रेस पूर्व जिला महामंत्री राशिद जमील, राजगढ़ जिला प्रभारी बी के मधुदीदी समेत कई समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने ब्रह्मा बाबा के विश्व के लिए किए कार्यों को याद किया। ऐसे ही रतलाम के नजरबाग बैंक कॉलोनी सेवा केंद्र में भी बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने उपस्थित होकर ब्रह्मा बाबा को याद किया। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका बी के सीमा दीदी ने सभी को बाबा के व्यक्तित्व से परिचित कराया। वहीं शाजापुर स्थित शिववरदानी धाम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता श्री ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर विश्व शांति एवं सद्भावना की कामना करते हुए सभी ने राजयोग का अभ्यास किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।